नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम आपको बताने वाले हैं जो साइंस के काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो आज हम उसको बताने वाले हैं। तो लिखा हुआ है आपका पहला क्वेश्चन, लिखा हुआ है एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी यानी कि एफ और वक्रता त्रिज्या यानी कि आर में संबंध है। तो सभी को पता है कि जो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध का सूत्र होता है वो क्या होता है, एफ इज इक्वल टू आर अपॉन टू। तो इसमें तुम्हारा देखिए क्या लिखा हुआ है, इसमें आपका इसमें जो लिखा हुआ है ये आपका ऑप्शन नंबर ए वाला है, ऑप्शन नंबर इसमें से ए सही हो जाएगा। तो इसमें देखिए आपका कैसे क्यों होता है, क्योंकि आपका जो सूत्र होता है वो होता है एफ इक्वल टू आर बाई टू। इसमें आर अगर मान निकालेंगे तो आपका यहाँ ए वाला जो भाग में है ये गुणा में चला जाता है, तो आपका जो सूत्र आएगा वो आर इक्वल टू टू एफ आता है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दूरदृष्ट दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है, यानी दूरदृष्ट दोष के कारण क्या होता है, जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पर बनता है, रेटिना पर बनता है, नेत्र लेंस पर बनता है, या रेटिना के पीछे बनता है, या रेटिना के आगे बनता है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि जिस व्यक्ति को दूरदृष्ट दोष हो जाता है तो इसमें जो आपका प्रतिबिंब होता है वो रेटिना के पीछे बनता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। देखिए आगे लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन लिखा है जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। अब आपको बताना है कि जो जीवाश्म ऊर्जा होती है उसका स्रोत क्या होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए लिखा है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा या फिर आपका कोयला। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। सभी को पता है जो जीवाश्म ईंधन होता है या जीवाश्म ऊर्जा होती है, ठीक, वो क्या होता है, जीवाश्म ऊर्जा जो होती है जीवों के अंश से प्राप्त होती है। तो आपका जो कोयला होता है कहाँ से, ये ज़मीन से निकाला जाता है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए आगे लिखा हुआ है नंबर चार, लिखा है निम्न परिपथ में ए एवं बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध होगा। तो सभी को पता है कि ये आपका एक सवाल है, ठीक है। अब इसको करने के लिए क्या होता है, देखिए मान लीजिए यहाँ पे आपका ए और यहाँ पे बी लिखा हुआ है, इनके मध्य में आपको क्या निकालना है, तुल्य प्रतिरोध। तो जो ये आपका यहाँ से मान लीजिए धारा जा रही है, ठीक है, ये आपके दो तार अलग अलग हो गए, तो इनमें धारा अलग हो, इसमें धारा अलग हो, यानी कि ये आपका समांतर लग जाता है। उसके बाद इनको जब हल करते हैं तो आपका आता है कितना, जब उसको निकाल के आता है तो आपका इसमें से आएगा 0.5, और इसका ये आपका लगा हुआ है तो आपका सीढ़ी बन जाता है। तो आपका 0.5 जब सीढ़ी में लगाएंगे और प्लस आपका 0.5, तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आता है। ये सवाल है, इसको आपको हल करके निकालना होता है, ठीक है। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक अश्वशक्ति बराबर होता है। तो सभी को पता है जो एक अश्वशक्ति होती है वो कितना, 746 वाट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है एक गतिमान आवेश कण उत्पन्न करता है, यानी कि जो एक कण होता है गतिमान आवेश कण, यानी कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, इनमें से कोई कण हो सकता है। तो इसमें कह रहा है कि जो गतिमान आवेश कण होता है वो क्या क्या उत्पन्न करता है, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, या केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, या चुंबकीय व विद्युत दोनों क्षेत्र उत्पन्न करता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो एक कण होता है वह दोनों क्षेत्रों को उत्पन्न करता है, क्योंकि विद्युत जो होती है भाई कण होगा तो ठीक है, तो क्या होगा, विद्युत धारा तो प्रवाहित होती है और आसपास उसके चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, यानी कि इसमें दोनों सही हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है कि निम्न से कौन सी एक परत पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। तो यानी कि ऐसी कौन सी एक परत होती है जो पराबैंगनी किरणें होती हैं सूर्य से निकलती हैं तो उनको पृथ्वी पर आने से रोकती है। तो सभी को पता है कि जो पृथ्वी का सुरक्षा कवच होता है किसको कहते हैं, उसे कहते हैं ओजोन परत को, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, क्योंकि ओजोन परत होती है जो अल्ट्रावायलेट किरणें, यानी कि इसको शॉर्ट में UV भी कहते हैं, यानी कि अल्ट्रावायलेट किरणें पराबैंगनी किरणें, तो इनको ये रोकती है, ये सुरक्षा कवच का काम करती है, ओजोन परत से हो जाएगा। अब देखेंगे उपखंड खा, तो इसमें आपको देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या लिखे हुए हैं। लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है, यानी कि जो श्याम श्वेत फोटोग्राफी होती है उसमें प्रयुक्त होता है, हमने इसको कई बार बताया हुआ है आपको वीडियो में। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक। तो आगे लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड एच डबल बॉन्ड ओ। अब आपको ये निकालना है कि लिखा है इसमें जो आपका हो जाएगा लिखा है का प्राकार्यात्मक समूह इसमें से कौन सा, यानी कि इसमें आपको क्रियात्मक समूह ढूंढना पड़ेगा। तो लिखा है कीटोन होगा क्या समूह, या कार्बोजिलियम होगा, या एल्कोहल होगा, या एल्डिहाइड होगा। देखिए जो आपका इसमें बच्चे गलती करते हैं उसको ध्यान देने, अब CHO यानी कि अब आपका जो सही हो जाएगा, तो कीटोन क्या होता है, CO होता है, कार्बोजिलियम क्या होता है, COOH होता है, लेकिन एल्कोहल क्या होता है, OH होता है। इसी में आपका जो आएगा एल्डिहाइड सही होगा, क्योंकि CHO एल्डिहाइड का होता है, ये इस प्रकार से CHO आपका होता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या लिखते हैं, लिखा है पेयजल को जीवाणुरहित करने में उपयोग किया जाता है, यानी कि जो पीने योग्य जल होता है उसको शुद्ध करने के लिए, जीवाणुरहित करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो हमने इसको कैसे पढ़ा चुके हैं कि आपका ब्लीचिंग पाउडर यानी कि CaOCl2 होता है।
लिखा हुआ अगला, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, यह यौगिक जन्मे विलेय है, यह तत्व क्या हो सकता है? यानी कि एक तत्व है, अगर किसी ऑक्सीजन क्रिया करता है एक यौगिक बनाता है और वह जन्मे घुल सकता है। देखिए इसमें लिखा है कैल्शियम, कार्बन, लोहा, सिलिकॉन, तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा फर्स्ट वाला, क्योंकि जो कैल्शियम होता है अगर ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, यानी कि जो कैल्शियम होता है अगर ऑक्सीजन क्रिया करेगा तो क्या क्या बन सकता है, आपका बन जाता है सी, ये आपका कली चूना होता है, ठीक है, तो ये जल में घुल भी सकता है। कार्बन होगा CO2 बनाएगा, जल में घुलेगा नहीं। लोहा होगा आयरन ऑक्साइड बनाएगा, जल में घुलेगा नहीं। सिलिकॉन होगा, ये जल में नहीं घुलेंगे, तो आपका दिमाग जाता है कि जो कैल्शियम होता है अगर क्रिया कर लेता है ऑक्सीजन से तो CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड बना जाता है और यह जल में घुल भी जाता है, तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले कहा एस्टिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है, जो आपका एस्टिक अम्ल होता है सूत्र क्या होता है इसका, एस्टिक अम्ल जो होता है इसका सूत्र होता है CH3COOH। अब इसका जो IUPAC नाम होता है कैसे निकालोगे, सबको पता है कि क्या होता है इसका IUPAC नाम जो होता है वो आपका होता है एथेनोइक अम्ल, क्यों, क्योंकि इसमें आपके कार्बन कितने हैं दो, यानी कि एथ, और समूह कौन सा लगा क्या समूह COOH यानी ओइक का, तो एथेनोइक अम्ल, ठीक, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे लिखा है नियान है, यानी जो नियान होता है क्या आती है, धातु होती है, अधातु होती है, उपधातु होती है, अक्रिय गैस, सभी को पता है जो नियान है एक प्रकार की गैस होती है, कौन सी, अक्रिय गैस, इसे कहाँ रखते हैं, इसे हम सोनवर्ग में रखते हैं। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, जो अगला नंबर आपका हो जाएगा, लिखा हुआ है निम्न से कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो इसमें जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील होगा लिखा है मेथेन होता है, एथेन होता है, इथिलीन होता है, या फिर आपका ये किसका होता है, ये आपका हो जाएगा इथाइन का, ठीक है। तो अब इसमें बोलता है कि इसमें कौन सा आपका सबसे सही यौगिक हो जाएगा, तो इसमें जो आपका होगा लिखा है CH4, C2H6, C2H4 या C3H8, इसमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है वो क्या होता है, इसमें आपका हो जाएगा सबसे अधिक अभिक्रियाशील मेथेन होता है, ठीक। तो आगे हम बात करने वाले हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है, ये आपके बायोलॉजी क्वेश्चन आ गए हैं, लिखा है पुष्प का कौन सा भाग होता है जो निषेचन के बाद इसमें फल में बदल जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें सही हो जाएगा कौन सा, बी, क्योंकि अंडाशय होता है, सही। लिखा है मनुष्य में वृक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, यानी जो वृक होता है किस समझ होता है, सबको पता है कि वृक जो होता है लिखा पोषण से, उत्सर्जन से, परिवहन से या श्वसन से, तो ये आपका उत्सर्जन से संबंधित होता है, ठीक है। अगला लिखा है एक द्विसंकर का दर्श प्रारूप होता है, हमको पहला आपको पढ़ा होगा स्वतंत्र अवयवन का, इसमें आपका आता है ऑप्शन में इसमें सही जाएगा कौन सा, डी वाला, ठीक। आगे बात करनी है, लेकिन मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, गुणसूत्र कितने होते हैं, अगर जोड़ी में बात करते हैं तो कितने होते हैं 23 जोड़ी, अगर संख्या बात करते हैं ना आपका हो जाएगा 46। आगे बात करते हैं, लिखा हुआ है मेंडल के अनुसार मटर के बौने पौधे का जीन प्रारूप होता है, अगर बौने की बात होती है तो कौन सा, बौने पौधे की बात होती है तो का स्मॉल टी यानी कि डबल स्मॉल टी होता है, क्योंकि कौन कह रहा है मेंडल के अनुसार मटर के बौने पौधे का जीन प्रारूप होता है, ठीक है। देखो जो आपका स्मॉल डबल टी होता है ये आपका कौन सा होता है, बौना होता है, जो कैपिटल टी होता है ये आपका लंबा होता है, ये आपका आपका अशुद्ध बौना, ये आपका शुद्ध बौना, ठीक है। उसके बाद कहते हैं आपका इसमें ए सी हो जाएगा। आगे लिखा है पुष्प के कुल कितने भाग होते हैं, सबको पता है कि पुष्प जो होते हैं उसके कितने, चार भाग होते हैं, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आप इनको नोट भी कर लेंगे तो आपका काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्या हो जाएगा, आपका रिविजन भी हो सकता है।